15 वर्ष परे सांबादिक सौम्या हत्याकारी दोषी सब्यस्त। हत्या मामलें दोषी सब्यस्त हेले समस्त पांच अभियुक्त। दिल्लीर साकेत कोर्ट अभियुक्त को सुनाइले राय। 2008 सेप्टेम्बर 30 रे सौम्या को करा जाइथिला हत्या। दिल्ली में सांबादिका सौम्या विश्वनाथन को हत्या घटना रे राय सुनाई दिल्लीर साकेत कोर्ट। मामलें संप्रक्त पांच अभियुक्त को दोषी सब्यस्त करी कोर्ट। अभियुक्त रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार, बलजित मल्लिक, अजय सेठी को कोर्ट महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण आईन हत्या लुटपाट भली दफा बल दोषी सब्यस्त करी कोर्ट को राय को नहीं सौम्या माँ कहते जे आग को यह नारकीय कांड करने लगी लोक रोकब आम झील तो गला हेले राय अन्य को शिक्षा देव और यह कांड करने को रोकब जदि एमती न होता ताहले एभली हत्याकांड करने को सेमानको उत्साहित करता से कहते मैंने कहा पता नहीं हमारी तो बेटी चली गई है पर यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स आल्सो अदरवाइज इनकी कीमत बढ़ती दैट्स ऑल एटलीस्ट एट सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट दैट्स ऑल। 2003-04 बैच रो भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानाल कैंपस रो छात्री थिबा सौम्या विश्वनाथन जेतेबेले नुवा करी खोलीथिबा हेडलाइंस टुडे चैनल रो सांबादिका भाबे कार्य करथुले। 2008 सेप्टेम्बर 30 राति रे ड्यूटी सारी घर को फेरिबा बाटरे दक्षिण दिल्ली रो बसंत कुच निकट रे कार भितरु तांको मर शरीर मिलिथिला। प्रथमे याकु दुर्घटना बोली अनुमान करा जाउथुला तबे फोरेंसिक रिपोर्ट रु गोली बाजी बाजु को सौम्यांकर मृत्यु होइथिबा जणा पडिथिला। सीसीटीवी फुटेज रु जणा पडिथिला जे सौम्या घर को फेरिबा बळे तांको कार पछपछे आउ गोटे कार जाउथुबार देखिबा को मिलिथिला। तथापि घटना संपर्क में किसी सुराग मिल नथिला। परे परे मुंबई क्राइम ब्रांच टीम आसी यार तदंत करथिले। हम सब बहुत सेटिस्फाइड हैं, इसमें टीम ने बहुत मेहनत करी थी सारी टीम ने और फैमिली बिल्कुल एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि हम उनका दुख भी महसूस कर पा रहे थे और हम खुद चाहते थे कि इसमें किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए क्योंकि केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ज़्यादातर टिका हुआ था और मर्डर केस में आपको पता है कन्विक्शन सिक्योर करनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बहुत चैलेंजिंग है और कंट्री मेड वेपन यूज़ हुआ था और वो क्रिमिनल वहाँ रुके नहीं थे, चलती गाड़ी में से फायर करके आगे निकल गए थे, तो चैलेंजेस तो बहुत थे लेकिन हमने भी भरोसा नहीं छोड़ा और फैमिली ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 30 सितंबर से लेके जिस दिन पकड़े नहीं गए 6 महीने हर एक दिन इंक्लूडिंग दिवाली की रात को भी फॉलोअप हुआ, फैमिली साथ बैठी, एक भी दिन कुछ भी हो जाए मिस नहीं हुआ, जिसके कारण से फैमिली को दिखता था कि पुलिस की टीम क्या कर रही है और 24 घंटे का क्या टारगेट है, 24 घंटे के एफर्ट्स क्या हैं और अगले 24 घंटे की क्या टास्किंग है, तो नेचुरली जब वो देखते थे तो उन्हें भरोसा रहता था। 2009 मार्च रे कॉल सेंटर एजुकेटिव चिकित्सा गोष हत्या घटनार तदंत बेले दुई अभियुक्त रवि कपूर और अमित शुक्ला धरा पड़े। मध्यरात्रि एमाने दिल्ली रास्तार लुट तराज करुवा जना पड़ा। दुहीं को पचराउचरा करा समय एमानक गैंग सौम्या को हत्या करते यापर दिल्ली पुलिस तदंत जारी रही। 2010 आउ तीन जन अभियुक्त सामिल थी नहीं पुलिस पक्ष चार्जसीट दाखल करा सेबेठारु तदंत आरंभ होते ही 2016 शुणाणी प्रक्रिया आरंभ हो शुणाणी शेष होता। फायरिंग होता गोली सीसीटीवी फुटेज और अभियुक्त दोष स्वीकार नहीं मामला रुजू और चार्जशीट दाखिल हुई थी। को हत्या के आरोप के लिए और एक को 3235 मकोका में कंडक्ट कर रहा। टोटल पांच लोग हैं जिसमें मर्डर सिर्फ 4 लोगों के अगेंस्ट कंडक्ट हुए हैं और एक 3235 मकोका में हुआ। कोर्ट ने सिर्फ जजमेंट में ये एड्रेस करा कि ये प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर रहा है, अब रीजनिंग क्या दिया है वो जजमेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा। आज समस्त तथ्य प्रमाण को भित्ति करी कोर्ट समस्त पांच अभियुक्तों को दोषी सब्यस्त करी छंती। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।